आज है मेरे सासू माँ के हाथ की स्पेशल अंडा मसाला करी। शुरुआत मैंने अंडे उबालने से किया है। अंडे के साथ मैंने पानी डाल दिया है। पानी सिर्फ अंडों से थोड़ा ही ऊपर रहना चाहिए, लगभग आधा सेंटीमीटर ही ऊपर रहे, और इसे आप हाई फ्लेम में गैस पे रख दें। थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं आप, क्योंकि इससे इसके छिलके अच्छे से उतर जाते हैं। अंडों को आप जब ये उबलना स्टार्ट हो उससे 2 मिनट, एग्जैक्ट 2 मिनट तक ही उबालें और फिर गैस बंद कर दें। मैंने इसे यहाँ ढक दिया है। आप घड़ी देखकर इसे सिर्फ 15 मिनट तक ही ढकें। 15 मिनट के बाद देखिए ये अंडे अच्छे से उबल चुके हैं। ग्रेवी के लिए मैंने 2 छोटे प्याज ले लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया, आप धनिया पाउडर भी ले सकते हैं, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ नारियल का कीस लिया हुआ है। ये काफी ही बारीक है, यहाँ बहुत ही फाइन कोकोनट पाउडर है। और 1/4 चम्मच मैंने सौंफ लिया है, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 से 2 इंच अदरक और 3-4 लहसुन की कलियां, 2 टुकड़ा दालचीनी का और 1 मैंने मीडियम टमाटर लिए। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम में रखें और उसमें 2 चम्मच तेल डालें। आप मसाले को कच्चा मिक्सर में पीसकर भी बना सकते हैं, बट अगर आप इसको थोड़ा सा रोस्ट करके बनाएंगे तो ग्रेवी में इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। मैंने प्याज को लंबा लंबा काट लिया था और इसे बस हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अगर आप ग्रेवी में धनिया पाउडर यूज कर रहे हैं तो उसे आप यहाँ पर ना डालें, वो हम बाद में ग्रेवी में यूज करेंगे। और इसे आप ऐसे लगातार चलाते रहें ताकि प्याज नीचे से बिल्कुल भी ना जले। प्याज को आप कंटिन्यू चलाते रहें ताकि वो जले ना। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है खड़ा धनिया और दालचीनी, और डालकर आप अच्छे से इसे मिक्स करते रहें और इसे लगातार चलाते रहें ताकि प्याज, धनिया और दालचीनी अच्छे से रोस्ट हो जाए। ये देखिए प्याज हल्के हल्के नरम होना स्टार्ट हो गए हैं। प्याज थोड़ा सा रोस्ट हो गया है, इसमें मैंने फिर डाल दिया है गार्लिक, अदरक, लौंग और इलायची, बिल्कुल जब प्याज हो गया है, क्योंकि कोकोनट पाउडर बहुत ही फाइन है तो ये जलने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए मैंने गैस बंद करके इसमें इसको मिक्स कर दिया है। अगर आपके जो कोकोनट आपने जो आप यूज कर रहे हैं वो काफी बड़े पीसेस में है तो आप थोड़ा पहले उसे इसमें डाल सकते हैं, बट क्योंकि ये कोकोनट पाउडर बहुत ही फाइन है आप देख रहे हैं, तो जस्ट फॉर अ मिनट मैंने इसे करके आप इसे कूल डाउन कर लें और फिर मिक्सर में ग्राइंड कर लें। सेम पैन में आप टमाटर को भी, तेल ना डालें इसमें एक्स्ट्रा, उसी उसमें आप रोस्ट कर लें फॉर सम सेकेंड। ये देखिए ये बिल्कुल बस जस्ट नरम हुए हैं, इन्हें ऐसे ही रखना है और मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है। फाइन पेस्ट के लिए आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें और उसे फिर से ग्राइंड करें। एग अच्छे से बॉईल हो गए हैं तो आप टूथपिक या फिर फोक की सहायता से उसपे छेद कर दें ताकि इसमें अच्छे से ग्रेवी चली जाए। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम में रखा है और सरसों का 3 बड़ा चम्मच तेल डाला है। आप चाहे तो घर का रेगुलर तेल भी यूज कर सकते हैं, पर इसमें सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तेल में से धुआं निकल जाना चाहिए, हमें इसे इतना गर्म करना है। तेल में से धुआं निकल चुका है, अब मैं इसमें अंडे डाल दूंगी। गैस आप लो कर दें ताकि अंडे जल्दी जल्दी जलना स्टार्ट ना हो जाए। मैंने सारे अंडे इसमें डाल दिए हैं और फिर आप इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक डाल सकते हैं, थोड़ा सा ही, 1 चुटकी भर, ताकि एग्स में कलर बहुत ही अच्छे से आए और फ्लेवर भी। और आप इसे कंटिन्यू ऐसे चलाते रहें ताकि एग सब साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए एग हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी।
कढ़ाई को मीडियम फ्लेम में रखें और इसमें जो सरसों का तेल बच गया है आप वो डाल दें। आप सेम कढ़ाई में भी ग्रेवी बना सकते हैं, मैंने दूसरी ले ली है। और तेल को थोड़ा गर्म होने दें, फिर जो पेस्ट हमने बनाया था वो आप इसमें डाल दें और पेस्ट को आप कंटिन्यू चलाते रहें। हमें ये पेस्ट तब तक पकाना है जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए, या कुछ लोग कहते हैं कि ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे, तब तक पकाना है। ये देखिए मसाला काफ़ी हमारा कम हो गया है, गाढ़ा हो गया है। अब इसमें मैंने डाला 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च और थोड़ा नमक। अगर आप धनिया यूज़ कर रहे हैं, धनिया पाउडर, तो आप यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दें। मुझे कश्मीरी मिर्च बहुत पसंद है तो मैंने 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल दिया है ताकि ग्रेवी में इसका कलर बहुत ही अच्छा आए और टेस्ट भी। और इसे मैं कंटिन्यू चला रही हूँ ताकि जले बिल्कुल भी ना। और ये देखिए मसाला अब तेल छोड़ने लगा है। अब मैंने इसमें डाल दिया है करीबन 1.5 कप पानी, गर्म पानी। ग्रेवी में आप हमेशा गर्म पानी ही यूज़ करें, उससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। और आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग भी पानी कम ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं, जैसा आपको ग्रेवी चाहिए। और ये ग्रेवी में आप एक उबाल आने दें, मिक्स कर लें अच्छे से। ये देखिए ग्रेवी में अब उबाल आ गया है। अब इसमें ये अंडे डाल दें जो हमने पहले फ्राई करके रखे हुए थे, और इसे अंडों में अच्छे से ग्रेवी ये सोक कर लेगा। और इसे ढककर 10 मिनट तक पकाएं। और 10 मिनट बाद ये देखिए हमारी अंडा करी अच्छे से रेडी हो चुकी है। आप इसमें थोड़ा 1/4 चम्मच गरम मसाला डालें और हरा धनिया भी डालें, मेरे पास हरा धनिया नहीं था। और इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें। आपको अंडे की ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।